بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد मौजूदा हालात यानी लॉकडाउन के पेश नज़र चंद अहम और खुसूसी हिदायत। हजरात, ये सभी को मालूम है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक से कबल ही पूरे मुल्क में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और बदकिस्मती की बात यह है कि इसने रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीना को भी अपने लपेट में ले लिया है। अब चूंकि रमज़ान का मुकद्दस महीना इसी में शुरू हो रहा है, इसलिए बतौर हिदायत चंद बातें इस गरज से पेश की जा रही हैं कि न सिर्फ आप इनको बगौर समात ही फरमाएंगे बल्कि हतमी और लाजमी तौर पर अमल करेंगे और अपनी मनमानी और गलत तरीक़े कार से बिल्कुल ही बाज रहेंगे। अब हम ज़ैल में नंबरवार हिदायात का तज़करा करते हैं, तवज्जो फरमाएं। नंबर एक, बग़ैर किसी शरई मजबूरी के यूं ही बहाना बनाकर रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ छोड़ने की हिम्मत न करें, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है और इस पर सख्त मुआखजा और पकड़ है। नंबर दो, पंज वक्ता नमाजें भी गुज़श्ता अय्याम की तरह जब तक हालात साजगार न हो जाएं अपने अपने घरों में ही अदा करें, मसाजिद जाने से फिलवक्त परहेज करें। नंबर तीन, तरावी की नमाज भी अपने घरों में घर के अफराद के साथ मुमकिन हो तो बाजमात, वरना इन्फिरादी तौर पर अदा किया करें। इसके लिए हम कम से कम दो आदमियों की जमात हो सकती है और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरह अलम तरकैफ से ही तरावी की नमाज अदा की जाए, बल्कि जो सूरतें याद हों वही पढ़ी जा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को सिर्फ दो ही सूरतें याद हों तो उन्हीं दोनों सूरतों को बार बार दोनों रिकतों में पढ़कर तरावी की नमाज पूरी की जा सकती है। शरान इसमें कोई हरज और कबाहत नहीं। एक बात और याद रहे कि मर्दों की तरह औरतों पर भी तरावी की नमाज सुन्नत है, लेकिन औरतें तन्हा तन्हा इसका एहतमाम करें। और ये भी याद रहे कि पूरे माह यानी रमजान का चांद हो जाने के बाद जब तक ईद का चांद नजर न आ जाए तरावी का एहतमाम करें। नंबर चार, तरावी की नमाज के लिए आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को हरगिज जमा न किया जाए, नहीं कई घर के लोग मिलकर एक जगह नमाज अदा करें। खा किसी बड़े हाल में हो या किसी कारखाने में हो या किसी छत पर हो, यहाँ तक के इससे कबल नॉर्मल हालात में भी मसाजिद के अलावा जहाँ जहाँ लोग तरावी की नमाज अदा करते थे वो भी इस साल उसको मुलतवी करें, वरना परेशानी होगी और मुसलमान और इस्लाम की बदनामी का बाइस और सबब बनेगा। नंबर पाँच, आम दिनों की तरह रमजान में बिला वजह घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद करें। नंबर छः, आम रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी किसी किस्म की इज्तिमाई दावत या इफ्तार पार्टियों से बिल्कुल ही परहेज करें। नंबर सात, खुसूसियत से रमज़ान में ज़रूरतमंदों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गैर मुस्लिम मुस्तहिकीन की जहां तक मुमकिन हो खबरगीरी करें और उनका तआवुन करते रहें। नंबर आठ, खरीदो फरोख्त लेन देन के मामलात में हुकूमत के नाफिज करदा अहकामात और हिदायात पर पाबंदी से अमल करें।
नंबर 9, गुज़श्ता नंबर 9 गुज़श्ता आदात के मुताबिक 6 दिन या 10 दिन में खा घर में हो या किसी दीगर मकाम पर खत्म कुरान का सिलसिला हरगिज कायम न करें। नंबर 10 मसाजिद में खुद्दाम मसाजिद जिस तरह से फिलहाल नमाजें अदा कर रहे हैं बैन ही इसी तरह 3-4 अफराद पर मुश्तमिल तरावी की नमाज भी अदा करते रहें। नंबर 11 सहूलत के पेश नज़र हस्ब साबिक इफ्तार और ख़त्म सहर के अवकात का ऐलान बकदर ज़रूरत 1-2 बार ही किया जाए। नंबर 12 जिम्मेदार अपने मातहतों को इसी तरह महल्ला का हर जिम्मेदार अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को हर ऐसी हरकत से रोकने की पूरी कोशिश करें जिससे मुल्क व मिल्लत के मफादात को नुकसान पहुंचने का कवी अंदेशा और ख़तरा हो। नंबर 13 नौजवानों से खुसूसी गुजारिश है कि रात के वक्त 2-व्हीलर 4-व्हीलर सवारियों में हरगिज घूमने की कोशिश न करें बल्कि बिला वजह रात को बाहर निकलने से भी परहेज करें क्योंकि खिलाफ वर्जी की सूरत में पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी जिससे मुबारक माह में परेशानी बढ़ जा सकती है। नंबर 14 नौजवानों से खुसूसन और दीगर सारे ही लोगों से गुजारिश है कि माह मुबारक में कम अज कम मोबाइल का इस्तेमाल बकदर ज़रूरत ही जायज चीज़ों में करें गलत और फजूल बातों से बिल्कुल ही गुरेज करें वक्त को ज़ाय और बर्बाद हरगिज न करें बल्कि अल्लाह की याद यानी नमाज तिलावत और दीगर इबादात में इन कीमती औकात को गुजारने की कोशिश करें। नंबर 15 मौजूदा हालात में मुसलमान मुर्दों को दफन करने कब्रिस्तान में ले जाने में मदद करें कोरोना की मौत से हरगिज न घबराएं बल्कि अल्लाह की ज़ात आली पर पूरा भरोसा और एतमाद रखें। नंबर 16 रमज़ान के मुबारक अवकात में खुसूसन इफ्तार और तहज्जुद के वक्त पूरे मुल्क और आलम इंसानियत की फलाह और मौजूदा सूरत हाल से नजात के लिए अल्लाह के हुजूर जितना ज़्यादा हो सके दुआओं का एहतमाम करें क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और मुसीबतों से नजात का सबब है। नंबर 17 मदारिस दीनिया मिल्लत इस्लामिया का बहुत ही कीमती सरमाया है उनकी हिफाजत और बका हम सब की पूरी पूरी जिम्मेदारी है लिहाजा हस्ब मामूल साबिक बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इस साल उनका ताउन करें और खुद ही उन तक रकम पहुंचाने की कोशिश और फिक्र करें। नंबर 18 जिम्मेदारान मसाजिद व मुसल्लियान मसाजिद से खुसूसी दरख्वास्त है कि वो खुद्दाम मसाजिद का पूरा पूरा ख्याल करें। नंबर 19 मज़कूरा तमाम बातों का निचोड़ और खुलासा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही है वो ये कि इस वबा से खुद भी बचना और दूसरों को भी हत्तल इम्कान बचाना जिसकी बेहतर सूरत ये है कि वक्ती तौर पर न एक जगह लोग भीड़ लगाएं और न ही 10-5 आदमी देर तक एक जगह जमा रहें ख़ाह यूं ही बिला वजह जमा हो या नमाज और तरावी के लिए जमा हो ख़ाह मस्जिदों में हो या कारखानों में या बड़े हाल में या किसी दीगर मकाम में हो। मुझे ये भी मालूम है कि ख़ास कर कलकत्ता और दीगर बड़े शहरों में अक्सर लोगों के घरों में जगह की किल्लत और परेशानी है लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि हमा वक्त बाहर निकलकर 10-20 आदमी एक जगह जमघटा लगाए रहें बल्कि मजबूरा मजबूरी के पेश नज़र बकदर ज़रूरत बाहर निकलें
और मुतफर्रिक अंदाज में रहें ताकि परेशानी से बच सकें। नंबर 20, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान के माना है मानने वाला, यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर जिंदगी गुजारने वाला, न कि मनमानी जिंदगी बसर करने वाला। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि उम्मते मुस्लिमा का कसीर तबका मनमानी और मनचाही जिंदगी गुजार रहा है। रब चाही जिंदगी से कोसों दूर है और उसी का नतीजा है कि आज हम हर जगह पूरे आलम में जलील और रुस्वा हो रहे हैं और तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। और उन्हीं मुसीबतों में से एक मौजूदा मुसीबत कोरोना वायरस भी है, जिससे इस वक्त पूरा आलम ही दो चार है। लिहाजा मनमानी और मनचाही जिंदगी गुजारने से अभी भी बाज आ जाएं और खुदा और रसूल की फरमा बरदारी करें, वरना इससे भी संगीन और बुरे हालात आ सकते हैं। खुदा हम सबको इसकी तौफीक दे और अपनी हिफाजत में रखे। नंबर 21, जिन लोगों को तरावी से मुतालिक मजीद मसाइल की जानकारी हासिल करना हो या दीगर किसी मसाइल से मुतालिक मालूमात करनी हो, वो लोग वक्त निकाल कर या बजरिए फोन तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं आपके लिए सहूलत और आसानी की राह पैदा करूंगा। अखीर में फिर एक बार बतौर गुजारिश के ताकीद अर्ज है कि खुद अपनी और पूरे आलम इंसानियत की हिफाजत के पेश नजर मज़कूरा जितनी बातें अर्ज की गई हैं, खुदारा बिला चूनो चरा उन पर अमल करें। इसी में दीन और दुनिया की भलाई मुजमर है। अल्लाह हम सबको इसकी खास तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुफ्ती इजहारुल हक नुमानी, खतीब व इमाम मूसा सेठ, मस्जिद राजा बाजार कोलकाता व सरपरस्त आला मदरसा कुरानिया अनवारुल इस्लाम हक चौक काजी मगहा जमुआ जिला गिरिडीह झारखंड। राबता नंबर भी नोट करें, 9903989791।